नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और अशर आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। 10 मार्च 2022 को जिस तरीके से बंधन बैंक में 40 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था अपराधियों ने, तो वहीं खगड़िया के पुलिस कप्तान अमितेश कुमार के नेतृत्व में जिले की पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है। और कैसे क्या कुछ सफलता हाथ लगी है, इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तेज तर्रार इंस्पेक्टर वीके सिंह जी हैं, जो कि टाउन थाना प्रभारी हैं। सर, सबसे पहले बोलता आपका स्वागत है, कैसे जो है ये सुराग जो है लगी और अपराधियों तक पकड़ में आई? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात के लिए समय निकाला। दरअसल में जब से घटना घटी 10 मार्च को, उस समय के बाद से ही पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही थी और इसके सही वैज्ञानिक साक्ष्य को इकट्ठा करके और सही अपराधी को पकड़ के और उसे न्यायिक प्रक्रिया के अंदर में दे करके उसे सज़ा दिलाया जाए, इस पर काम चल रहा था। इसकी कड़ी में हम लोगों को 14 मई को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 10 तारीख को यहाँ बंधन बैंक में डकैती हुई। बंधन बैंक में डकैती के बाद उसमें 40,700 कुछ रुपए अपराधी द्वारा लूटे गए, जिसमें 6 अपराधी बैंक के अंदर आए थे, बाकी अपराधी बैंक के बाहर थे। हमारी टेक्निकल टीम सर के नेतृत्व में SDPO सर, मेजर शरद, उमाकांत बाबू, मैं, हम लोग की पूरी टीम इस पर काम कर रही थी और सबको डेडिकेट किया हुआ था कि किसे कहाँ जाके काम करना है। इसमें हम लोगों ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया और हम लोग क्लाउड स्टोरेज से कुछ अपराधियों के फ़ोटोज़ निकाले और उस फोटोज़ के ज़रिए हम लोग रियल कल्प्रिट के पास पहुँचे। चूँकि 7 अप्रैल को इसी फैशन में बगल के दरभंगा ज़िला में विरौल थाना के सुपौल बाज़ार में पंजाब नेशनल बैंक में लूट हुई। अपराधियों के आने का तरीका, काम करने का तरीका, उनका पहनावा, चाल ढाल, जो गाड़ी यूज़ किए, अपाची, FZ, यामाहा, पल्सर, सेम बाइक, एक तरह की टोपी, एक तरह का हेलमेट, एक तरह के काम करने का तरीका, इसको हम लोगों ने काफ़ी स्टडी किया और इस पर हम लोग का ब्रेक थ्रू हुआ 14 मई को खुर्शीद और रहमत दोनों पकड़े गए। खुर्शीद, रहमत, राजा सैनी और मोटू उर्फ सुमित, ये लोग घटना करने के बाद घटना में लूटे गए पैसे से 15-17 लाख रुपए की i20 नई जो लेटेस्ट एडिशन है, टॉप मॉडल हुंडई की, वो बेगूसराय से खरीदे और इन लोगों ने पैसा कैश दिया, बाकी पैसा IMPS किया। लेकिन हम लोगों ने उसकी कुछ फ़ोटोज़ को हम लोगों ने लिया और उसके ट्रेंड को हम लोगों ने कोरिलेट कराया। साहब इसमें काफ़ी काम किए, कराए अपने पूरे टेक्निकल टीम से, और उनका कहना था कि आपको जो टाइम लगे और जो आपको रिसोर्स लगे आप उसको यूज़ कीजिए, लेकिन रियल कल्प्रिट हाथ में आना चाहिए, मेन अपराधी तक के जो है गिरेवा तक हाथ पहुँचे। तो हम लोग का ब्रेक थ्रू हुआ कि रहमत और खुर्शीद पकड़े गए। रहमत खुर्शीद पकड़े जाने के बाद बाकी अपराधी काफ़ी सब सख्ते में आ गए और सब यहाँ से भागने लगे, लेकिन हम लोग की टीम ने सुमित को पकड़ा, जो कि सेकंड था इस पूरे घटना में, राजा सैनी के गांव का रहने वाला है, उसके मोहल्ले का रहने वाला है, लोहिया नगर का, और टाइकांडो स्पेशलिस्ट है वो और टाइकांडो में ब्लैक बेल्टर है वो। वही आदमी बंधन बैंक में भी गार्ड को पकड़ा, अपने अंडर में लिया और गन तोड़ा। उसने खुद भी कबूल किया कि गन मैंने ही तोड़ा और फोर और मैंने ही अंडर पावर किया उसको, गार्ड को।
सेम इसी फैशन में वहाँ भी काम हुआ था। हम लोग 14 तारीख के बाद लगातार बाहर ही थे, हम लोग काम कर, हमारी पूरी टीम काम कर रही थी और उसकी मॉनिटरिंग डे नाइट हो रही थी। यानी ये जो बंदा है ये कराटे में जो है ब्लैक बेल्ट है और ये इसका इस्तेमाल करके वो जो सुरक्षा कर्मी थे उनके बंदूक को तोड़ने का काम किया, उसके बाद उनके साथ मारपीट भी किया। वो ट्रेन है बंदा, उसका काम ही है कि जो सुरक्षा कर्मी जो एक्स आर्मी मैन होते हैं उसको सबसे पहले अपने कब्जे में लेना और उसको फोर्सफुली उसको अपने कब्जे में लेकर के उसके पास जो आर्म्स है उसको डिसमेंटल करना, उसको नर्वस कर देना। तो चूंकि वो मार्शल आर्ट का चैम्पियन है, वो यही काम करता है, तो हम लोग उसको सुमित पकड़े, उसके पास से जो उसके हिस्से में जो पैसे थे उसमें से 57,000 रुपया उसके पास था, उसके बैग में था, वो बरामद हुआ। अपाची मोटरसाइकिल थी रेड कलर की जो सब लोग देखे हैं उस सीसीटीवी में, जिन लोगों को भी पता है या वहाँ बगल के लोग जो लोग जानते थे सबने देखा था कि यही बाइक थी। वो बाइक पकड़ी गई और उसी टाइम बाकी जो है मैं स्कूट करने वाला मैं स्कूट से पकड़ा गया। यानी इस घटनाक्रम में जो है खगड़िया ज़िले के भी लोगों का हाथ था जो अपराधी का से, वो लोग बाहर से काम कर रहे थे बैंक के अंदर, बेगूसराय मोतिहारी समस्तीपुर के अपराधी थे। अंतर जिला गिरोह था, अंतर जिला गिरोह। इन लोगों ने मालदा में, नेपाल में, चंपारण, पटना, नालंदा, हर जगह ये लोग बैंक में ही काम करते हैं, बड़े बड़े बड़ा बड़ा घटना को अंजाम देते हैं। ये लोग काफ़ी इस मामले में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, पूरा सत्यनारायण अंदाज में। तो हम लोग इस पूरे मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं और अब तक एक बार में जहाँ से हम लोग वहाँ से गिरफ्तारी हुई थी दरभंगा वाली टीम ने जो पहली बार पकड़ा रहमत और सोनू को, तो हमारे यहाँ से लूटा हुआ पैसे से खरीदा हुआ कार हम लोग का बरामद है जो 14-15 लाख रुपए की है। अपराधियों ने जिस अकाउंट को यूज़ किया है जिसमें पैसा डाले हैं वो सबकी हम लोगों ने शिनाख्त कर ली है, उस पूरे अकाउंट को हम लोग फ्रीज की कार्रवाई कर रहे हैं। बैंक में जो पैसा जो कार लिया जो कोलेटरल्स डाले हैं वो जिस फाइनेंस कंपनी के पास, बहुत सारी चीज़ें जो अनुसंधान में वो हम लोग नहीं बोल सकते, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग उसके जड़ तक हैं। और इस चीज़ से आज हम लोगों ने अपराधियों को जेल भेजा है, आज दरभंगा से भी 2 लोग जेल गए होंगे, आज कोर्ट में गए होंगे, आज हमने भी भेज दिया सुमित को और उसने खुद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर के सामने में बोला कि हमसे गलती हुई, हम इस घटना को किया है। इसमें जो उस दिन 10 मार्च को जो घटना को अंजाम दिया उसके बाद फिर ये लोग कैसे कैसे कहां कहां गए? देखिए इन लोगों का ट्रेस उसी से हम लोगों को पता भी चला, वो लोग 10 तारीख को घटना करने के बाद यहां से रोसरा चले गए, वहां रुके और फिर 11 को आ गए बेगूसराय। बेगूसराय में आके अपना लाइनअप किया कि अब बड़ा काम और करना है और गाड़ी सोफिस्टिकेटेड खरीदनी है जिससे कहीं किसी बैंक पर रेकी करने जाएं तो लोग कस्टमर समझें और VIP कस्टमर ट्रीट करें। तो सभी के पास ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड चश्मे, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े सभी पहनते हैं। लूटे हुए पैसे से? हाँ, लूटे हुए पैसे से। और i20 की जो अभी रिसेंट मॉडल की कार है उसको उन्होंने परचेज किया 12 तारीख को, और उससे पहले वो लोग तफरीह में निकले, यहाँ से दार्जिलिंग गए। दार्जिलिंग रास्ते में भी कई जगह फुटेज में हम लोग को ट्रेस हुआ कि ये लोग यही लोग हैं जो लोग घूम रहे हैं, हम लोग उनके पीछे थे। संजोग ये थे कि इनकी गाड़ी दार्जिलिंग में एक ट्रेन से टक्कर हो गई, टॉय ट्रेन से, और ये गाड़ी से लौटे नहीं। ये लोग सभी लोग अपने कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई ऑटो से अपना डेस्टिनेशन बदल बदल के सब लोग आए। हम लोग इनके पीछे थे, हमारी टीम हमारे साहब के नेतृत्व में SP सर इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनका सीधा निर्देश था कि हमको सही कल्प्रिट को पकड़ना है। टाइम जो आपको लेना है 10 दिन 15 दिन जो लेना है लीजिए, लेकिन सही कल्प्रिट पकड़ाना चाहिए और सही ब्रेक थ्रू होना चाहिए कि ताकि अपराध यहाँ नहीं कहीं भी अपराध पर लगाम लगाई जा सके। इसमें जो मेन जो गिरोह के जो सरंगाना थे उसकी जो है क्या इसमें गिरफ्तारी हो गई?
उसमें से दो मेन लोग थे जिसमें से एक गिरफ्तार हो चुके हैं, सुमित गिरफ्तार हो गया है, और एक राजा सहनी है जो इससे भी और सातिर है, जिसका और 2009 से ही उसका आपराधिक इतिहास है, वो अभी पकड़े नहीं गए हैं। इसका आपराधिक इतिहास 2012 से है, 2012 से लेकर अब तक कई लूट, आर्म्स एक्ट और इस तरह के, जैसे कि कई घटनाओं में शामिल रहा है, जैसे कि इन लोगों के सॉफ्ट टारगेट पर जो लोग बैंक के ये होते हैं, सीएसपी होते हैं, सीएसपी को ये लोग पहले टारगेट करते थे, बाद में ये लोग इससे फैंस बैंक, हाँ, इसके बाद बैंक कन्वर्ट हुए ये लोग। यानी आसपास के जो भी बिहार की कई ज़िलों में जो है इस तरीके के सक्रिय होकर के बैंक को ही टारगेट करके ये लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करते आ रहे थे, तो अब जो है और भी कुछ इसमें कितने और बाकी लोग हैं जो अपराधी? इन लोगों के द्वारा 19 अप्रैल को यहाँ बेगूसराय के 0 माइल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन लोगों ने ट्राई किया था, वहाँ पर भी ट्राई करा था। हाँ, तो यही टीम थी, लेकिन वहाँ गार्ड और एक आर्मी एक्स आर्मी मैन जो एक कस्टमर थे, गेट पर उनको धक्का लग गया, उनके साथ थोड़ी बहसा बहसी हो गई, पिस्टल निकाल लिए, तब तक गार्ड जो था वो चौकन्ना हो गया, अलर्ट होकर के उसने बजर इमरजेंसी बजर को प्रेस कर दिया, जिससे ये लोग वहाँ लूट की घटना को नहीं कर सके। एक यानी बहुत बड़ी लूट होने से भी फिर वहाँ बड़ी लूट होने की घटना से बच गई। आज बेगूसराय की पुलिस की पूरी टीम आई थी यहाँ, और अररिया में भी जो परसों घटना हुई है वो भी हमारे साहब के संपर्क में है, वो लोग भी वहाँ की भी पुलिस संपर्क में है, और हम लोग पुलिस एज ए होल काम कर रहे हैं। चलिए हमसे बात करें, थैंक यू।